भैया तेरे बैठ जा तो चौदह जनवरी चौदह जनवरी सभा में भी सोना बरसता यही कमाल होते बादे सभा माने सुबह की हवा सुबह की हवा ठीक जो की दखनैया चलती है यह टाइम आ गई बादे सभा कई बलवे है बादे सभा उर्दू शब्द है सुबह की हवा को लोग बोलते हैं बादे सभा यानी सुबह की हवा लेने के लिए प्रत्येक आदमी पैदल चलते हैं अंग्रेजी जमाने में बादे सभा में भी 16 बरसने लगा सुबह की हवा ठंडी मानी गई है लेकिन अंग्रेजी जमाने में उस हवा में भी गर्मी पाई गई तो कोटेशन हो भैया बोला अरे बादे सभा में भी 16 बरसता कयामत कफन लेके आगे खड़ी है अपना चमन भी वीराना सा लगता विषमता में विद्रोह की गड़बड़ी है ये घर है मेरा ना बपौती है तेरी बहाया कजर को पैर तोड़ दूंगा अगर आंखें तेरी वतन पे गड़ेगी कसम है कि आंखें दोनों तोड़ दूंगा बात वहां की आ गई कलकत्ता दमदम हवाई अड्डे तक बाबू सुभाष लेक्चर दे रहे थे बड़ी ज्यादा बंगाल में भीड़ थी तब तक भैया एक 10 बरस का बच्चा भैया देह में बाबू सुभाष लेक्चर दे रहे थे 10 बरस का बच्चा हाथों में माला लेकर के बैठ गए बच्चे एक हाथ में पर्ची लेकर के स्टेज के बगल में आ गया रंगमंच के बगल में खड़ा है बाबू सुभाष बोल रहे देख लिए कि एक बच्चा खड़ा है बच्चे का माला स्वीकार कर लिए पर्ची जब बच्चा थमाता है तो उसमें यही लिखा था बाबू सुभाष पढ़ दिए आदली बाबूजी सादर प्रणाम बाबूजी 5 मिनट बोलने के लिए मुझे मोहलत दीजिए नीचे सिग्नेचर अपना नाम लिखा खुद्दी राम बोस बाबू सुभाष कहे बेटा जरा बोलो बाबू सुभाष बैठ गए खुद्दी राम बोस 5 मिनट के लेक्चर में जो है अंग्रेजों की धज्जियां धज्जियां हुआ डाले गवर्नर दाते तले उंगली दबा लिया एक तरफ सीआईडी पुलिस अंग्रेजी जमाने वाले बोल दिए अपने दिल में कि बाप रे बाप ये क्रांतिकारी ये बंगाल की आधी को और तेज बना देगा इसको दबाया जाए वरना ये नौनिहाल खतरा पहुंचाएगा नाम नोट करके बुढ़िया माँ यानी खुद्दीराम बोस के घर पर लेटर दिए बुढ़िया माँ गिरफ्तारी का लेटर पा गई 3 बार गिरफ्तार करने के लिए वारंट दिए लेकिन गिरफ्तार करने वाले पुलिस पहुंच में नहीं किए खुद्दीराम बोस का तुअरे माई तिलकहरू अले ना तिलक का सामान कुल हमार जुटावल 3 दिन रद्द भई इतनी सा दंडात्मक हुए खुद्दीराम बोस अपनी माई से कहते हुए अंग्रेजन के प्रति भाव बाय दर्ज है आगल मुसाफिर अरे मुसाफिर भटकता है तू दर बदर दोनों आलम करह भर मदीने में है अंबोस कहने लगे अरे माई 3 रोज तिलकहरू दीन देकर नहीं आए भाई दंगात्मक हो दीन देकर तिलक वाले आए नहीं अरे तिलकहरू दीन ना भुला गए भाई अरे दीन देकर तिलक वाले आए नहीं उनकी बेटी को कैसा सजन चाहिए अरे हमको सुंदर दुल्हा कहाँ मिली रे माई सजन चाहिए उनकी बेटी को कैसा सजन चाहिए
राम बोस का है। अरे दीन देकर तिलक वाले आए नहीं, उनकी बेटी को कैसा सजन चाहिए। अरे माई तिलकारू ना आइलन का बेटा ना आइलन तो का कर बे, हमारी इच्छा बा की बेलगन का ससुराल जाए का मन करत हो। माँ बिना लगन, माँ बिना लगन जाऊंगा ससुराल में, माँ बिना जाऊंगा ससुराल में, बिना लगने के ससुराल जाई नहीं, इंतजाम कर दे। माँ कहती है बेटा क्या क्या चाहिए, दुई चीज चाहिए माई। माँ बिना लगन जाऊंगा ससुराल में, तो जोड़ा जामा के साथ कफन चाहिए। कफन दे दे कफन, जोड़ा जामा के साथ कफन चाहिए। ये बेटा जोड़ा जामा तो ठीक है, ये द्वार पूजा का पहरावा है, अरे कफन क्या करोगे। खुद्दीराम बोस बोले कि रे माई, जब जानूंगा कि द्वार पूजा की टाइम आ गई तो जोड़ा जामा का इस्तेमाल करूंगा, जब जानूंगा कि क्रांति की बगावत छिड़ गई तो कफन बांध लूंगा। कहने लगे लारे ला लारे ला 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 लारे 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 ला। बिना दुल्हन लिए माँ वापिस नहीं आऊं, तिलक का खर्चा ससुर सालों से चुकाऊंगा। बिल्कुल खर्चा जोड़ के ले ले तीन दिन का, तिलक का खर्चा ससुर सालों से चुकाऊंगा। दशा दीर्घायु में दूल्हा बना निराला था, संग का साथी सहबल्ला भी भोला भाला था। खुद्दीराम बोस के संगे बारात तो चलल, बाजा भी बजल, बैंड बाजा भी चलल, बराती भी चलल, सहबल्ला के रहल प्रफुल्ल चाकी। दशा दीर्घायु में दूल्हा बना निराला था, संग का साथी सहबल्ला भी भोला भाला था। बैंड बाजा मानो पिस्तौल बम हाथों में, बजनिया थोड़े रहे बैंड बाजा वो पिस्तौल बम रहल। जब द्वार पूजा के टाइम आई सुने तो हमन के दराम दराम लगी बजे, तो बिंड बाजा मानो पिस्तौल बम हाथों में। बराती के रहल हिम्मत हौसला यो जंग जोत साथ में, जाते बरतिया रहल हिम्मत हौसला जंग जोश। पहुंच गए, अरे पहुंच गए ससुर के गेट पर। जब जाए लगले, जाए लगले तो दर्ज के फिल्म संजोग से लिहल गए। जो 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 कैसे दूरों शेर जाने लगे, यही कहने लगे। बोल बंदे मातरम, बोल बंदे मातरम, बोल बंदे मातरम, सही बजे। कहने लगे जननी जन्म भूमि मेरी, जननी जन्म भूमि मेरी, प्राण से भी प्यारी है, प्राण से भी प्यारी है, ममता के कारण अपना गला दो लुटा। बोल बंदे मातरम, 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 बोल बंदे मातरम। अरे कदम बढ़ता बढ़ता पीछे, कदम बढ़ता बढ़ता पीछे, हटने न पाए, हटने न पाए, हटने न पाए, ससुरार अंदर जाके नदी दुबहाय। बोल बंद मातरम, बोल बंद मातरम, ससुर के गेट पर। बढ़िया मातर, ससुर के गेट पर दोनों पहुंच गए। खुद्दीराम बोस बोले यही दरवाजा है, वो ससुर का अंग्रेजी जमाने में किल्ट फोड़, बड़ी तगड़ी से तगड़ी।
कड़ी सजा देता था क्रांतिकारियों को, वही मंगल पांडे को लाठी चार्ज करवा करके मृत घोषित करवा दिया। गेट पर पहुंच गए जहां की किंत फोर्ट का बंगला सामने दिखा था। दरवाजे पर संतरी है, संतरी दरवाजे पर राइफल लेकर खड़ा है। ये दोनों शेर पहुंचे, प्रफुल्ल चाकी बोले भैया यही दुआरी पर दुआ पूजा लगी, यही दरवाजा है, कह व्यवस्था तो कोई नहीं है, कह व्यवस्था तो जरूरत नहीं, मुझे केवल आजादी दुल्हन चाहिए, चमचम रसगुल्ला प्याली से जरूरत ना है। कढ़ाउन दरवाजे पर है, अरे दरवाजे पर ड्यूटी देने वाले हट जाओ। ओ संगरी कहता है आप लोग कौन है? ये दोनों जवाब देने लगे, वह तरजागल दुल्हा गंगा पथ। अरे काहे जिया दुखौला, अरे काहे जिया दुखौला, चल दिया में विसार के इतना बता दा ये दुल्हा गंगा। लेकिन दोनों संतरी से कहते हैं, वो संतरी कहता है अपनी पूरी पर्चा दो दोनों। भाई दोनों का तो हमन कहां से अवल गए। अरे ससुर द्वार पर खड़ा संतरी, अरे दोनों कहे पुकार की आप कौन है? ये दोनों बोले वह लाइन इतना बता दा हम दुल्हा गंगा पार, इतना बता दा हम दुल्हा गंगा पार, इतना बता दा हम दुल्हा गंगा पार, अरे दुल्हा गंगा पार, अरे दुल्हा गंगा पार, अरे गंगा पार से टूटे दुल्हा आलू बता दा। ससुर से कह दा, लेकिन एक बात और कहने लगे, बड़ी मारवी खिलाई हो दही जा दहेज में ना चाहिए सोना चांदी, अंतरा हुआ दही जा दहेज में ना चाहिए सोना चांदी, छपे इतिहास में दुल्हा की कुर्बा, अरे देव का अरे देव गुलामी लावात, अरे देव गुलामी लावात परछाई छोड़ का सार के इतना बता दा हे दुल्हा गंगा पार, इतना बता दा हम दुल्हा गंगा पार, इतना बता दा हम दुल्हा गंगा पार, हम दुल्हा गंगा पार, हम दुल्हा गंगा पार। अरे गुलामी लावा के परछाई में सार के गुलामी देव, हम आजादी दुल्हन देव। संगरी का ताजुबान संभाल लो, खुदीराम बोस कहे कि साथी जरा हटो तो साले को मार दूं भून दा जाए, धुआं उड़ा दे। कहे नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा साथी, झगड़ा गेट पर कर देने से किंत फोग बच जाएगा। कहे बच जाएगा ठीक है, कहे छुप कर रहिए आप लोग, छुप कर रहिए हम दोनों छुप कर हैं, छुप कर है तो छुपने की बात आ गई। तो बोस जी कहते हैं कि अरे साथी छुपने के लिए क्रांतिकारियों को कहां लिखा है? तो वह तर जा गेल। अरे पानी में आग लगाने की रात है, पानी में आग लगाने की रात है, पीने की रात है न पिलाने की रात है, पानी में आग लगाने की रात है, पानी में आग लगाने की रात है, पीने की रात है न पिलाने की रात है, पानी में आग लगाने की रात है, पानी में आग लगाने की रात है, पीने की रात है न पिलाने की रात है। आजा छुपने का सवाल आ गया, छुप जाओ। तो खुदीराम बोस कहने लगे भैया केवल पांच मिनट हो, तनी पिसाब जो भाई के लगन हो थोड़ा सा तनी सा दबोले रहे, पांच मिनट का देरी बाय। वैसे तो बिरैया ने कहने लगे अरे रास्ते में जाल बिछाने की बात है, दरवाजे को कवर करके जाल बिछा दो, इसी रास्ते से मीटिंग समाप्त होगी तो किंत फोग अपनी आसमानी कलर के कार में तैयारी करके आएगा, हम लोग बैंड बाजा बजाना शुरू करेंगे। तो कहने लगे अरे पानी में, अरे रास्ते में जाल बिछाने की बात है,
छुपने की बात है न छुपने की बात है। आसमां शांत रहा आशय सरसानी है, दुल्हन के कार का भी रंग आसमानी है। पिस्टल बम गोला ले खड़े आजू बाजू ने जिंदगी तोड़ दिए हिम्मत के तराजू। अरे चार बजे बैंड बजाने की बात, चार बजे मीटिंग समाप्त होगी तो बैंड बाजा बजा बजना शुरू होगा। जब उसी आसमानी कलर के कार में साला सवारी करके ससुर आएगा तो दमाद हर बैंड बाजा बजाएंगे। तो वह तर जागे पायल की झलक अब सुने ठीक घड़ी में चार बज गया। ये दोनों नौजवान समय कई इंतजारी में पड़े हैं, दम गोला लेकर के अगल बगल इंतजारी में हैं। तब ले अरे दोनों वीर तैयार हंसते, अरे दोनों वीर तैयार हंसते हंसते, अरे घड़ी बजाई चार रस्ते रस्ते। अरे धोखबारी हुई समय चक्कर दिया, मौत आके विधाता से टक्कर लिया। अरे विशाल धोखा हो गई, आसमानी कलर के कार में सवारी करके किंत फोड़ नहीं आया, लेकिन आयल के हर दोनों जी दोनों वीर शिकार के इंतजारी में पड़े हैं। अरे दो कबारी हुई समय चक्कर दिया, मौत आके विधाता से टक्कर लिया। अरे उसी रंग की कार, अरे होके चले सवार रस्ते वही रंग के कार में। मीटिंग समाप्त हो गई, दोनों वीर इंतजारी में पड़े हैं। उसी मीटिंग में बड़े रईस परिवार वाले मिशन कनेडी वकील वो डॉक्टर साहब भी रहे। वकील साहब पूरे परिवार को लेकर के मीटिंग सुनने के लिए गए थे। डॉक्टर बाबू बोले कि सर जरा ड्राइवर से बोल दीजिए कि कार में बैठा करके हम लोगों को स्टेशन तक छोड़ आवे। देखा वो कुदरत का इंतजाम बदल गया, किंतु फोड़ कर दिया कि ड्राइवर जरा डॉक्टर साहब के परिवार को स्टेशन तक पहुंचा दो। कार में सवारी कर लिए, वह दर्जा गए शारदा सिन्हा के। अरे भाई शारदा सिन्हा के कई तर्ज हो, कई तर्ज बाजा उनकी ये समय तहलका में चोले भाई। कई तर्ज बाय तर्ज बाय आज बाबा देन ना थूली केहूर हम तो केहूर हम जब बलमुआ कैसे बलमुआ कैसे तेज हमारे जिया बोल रहे छुट्टी नंग दी हमार दिया। लेकिन वह तर जागल किंत फोट डॉक्टर के पूरे परिवार को कार में बैठा दिया, ड्राइवर जब गाड़ी खोल दिया यार दोनों नौजवान झुक झुक के ताकत उन काम बने तो वह आ गई। लेकिन वह तर जागल शारदा सिन्हा के पनिया की जहाज से पलटनिया बन यही है, पनिया की जहाज से अरे पलटनिया बन यही है पिया। लहले यही हो अरे लहले यही हो पिया से नूरा बंगाल से, पिया से नूरा बंगाल से। Hello, yeah.
सिंधूरा बंगाल धोती पिया सिंधूरा बंगाल इधर दूरों भी तैयार बटन तबले वही रंग के कार में वही रंग के कार में सवार होई के डॉक्टर बाबू आई गई न हो आई गई न हो जिया देव माया जान में जिया देव माया जान में पहलवान तेरे वरी और टैकल करा कार की आवाज सुन गए दोनों वीर तैनात हो गए कर रेडी वो समय कैसे खुद ही राम बोस कहने लगे जी सजग थे सजग थे कार जो है सामने आ गई दोनों बम ठीक कार के छत पर गिरना है तो कहते प्रफुल्ल चाकी बोले अरे निशाना कब खाली ना अरे पीतर बम गोला ले अरे खड़े चमन के माली कर दिए इस संकल्प अपने को सपना साकार बनाना है माता के ऋण से उड़ है तूफानों से टकराना है हर इंच इंच की धरती पे संघर्ष नहीं मुख मारेगा सोने की तुम्हारी लंका को हनुमान जलाकर छोड़ेगा छोड़ेगा एक बात और बोलते हैं अब आजा जन जन में जागृति लाने को क्रांति की भी खन्ना देगा मरने के बाद शहादत में इतिहास भी एक पन्ना देगा डट जाओ तल पे लाल मेरे जननी मेरी कहती है हम उसी देश के बासी है जिस देश में गंगा बिल्कुल कार करीब आ गई अधूरो वीर कहने का अरे अधूरो वीर कल खड़े रहे अरे तैयारी धोखा भारी अरे तैयारी धोखा भारी कौन बताई दुनिया में भारी मारी धोखा शिकार बच गए घटना घटल करारी धोखा शिकार बच गया घटना घट गई दोनों भी फरार हुए हौसला बुलंद है कि बाजी जीत लिए ईना जलने की रही इस परिवार वाले बेचारे बेमौत मारे गए अरे दुश्मन मात बची गए अरे धना तो नहारिया जवाना कुछ करावे अरे बदले का सैया के गैया से गैले बदले का सैया के गैया से गैले दोनों वीर एक साथ हो गई ले फरारी दोनों वीर एक साथ फरार हो ही गई पूरे हिंदुस्तान हवा में बचा ले तू भागल भागल दूर हो गई ले पूरे बल के देता खुदी राम बोले तो फूल चाकी से भैया जाओ मेरी माँ से कह देना तेरा लाल तेरे लिए पपोहू लेकर आ जाएगा अपने मुजफ्फरपुर गए बस दो मिनट कहिए हो एक चाय की दुकान पे खुदी राम बोस खड़े रहे चाय के कैंटीन में तहलका मच गया बम मारने वाले जो सुबह बम मारे थे शाम को अरे उसमें धोखा हो गई अरे किंत फोट के बजाय मिशन कनेडी के रईस परिवार मारे गए वो जी चिहुक गए ने कहे क्या वो साला बच गया चाय के कैंटीन में सीआईडी भी बैठे थे जब गाली देकर कहने लगे बोस जी क्या वो साला बच गया सीआईडी पहचान गया सीटी बच गई खुदीराम बोस के कलाई में हथकड़ी डल गई डाली गई मुजफ्फरपुर जेल में जो है बोस जी की जो है फांसी की सजा मिली
बुढ़िया माँ को लाश दिखाई गई। माँ के दिल में दुख खुशी बा जब लाश देखलस, खुशी का दूल्हा इन तय कमर बचवा के अरे चेहरा निहार जननी, अरे निहार जननी, ये तोर डोली से पते ही आऊ दिक्कत नहीं, मेरा देश आजादी के प्लेटफॉर्म पर आ गया। अरे आजादी दुल्हन आ गई, भले लड़का गया। जमन दूध कीमती पिलाई रही माई, अरे धन्य लाल सभा के अरे कामे गया कोई हुई क्रांति को अरे उभार जननी, एक बार डोली से पतो ही गुरु बिहारी गुरपत्तू आजादी दुल्हन आई सरजू वाला हवन कुंड में अरे गोता दिए लगाई निशाना कब्बो खाली ला जाती यादव की मुरद गाते कई है दादाना।